हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीमा फ्रॉम दादीसा की किचन से। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक मिठाई जिसका नाम है बालूशाही। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और इसे कम से कम 15 से 20 दिन तक हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बालूशाही बनाने के लिए हमने 2 कप मैदा लिया है जो लगभग 200 ग्राम के करीब है। उतनी ही हमने शक्कर ली है, वो भी 200 ग्राम के करीब है। 2 बड़े चम्मच हमने घी लिया है मोइन के लिए। 1 चम्मच इलायची पाउडर लिया है। 1/2 चम्मच हमने बेकिंग पाउडर लिया है। पिस्ता कतरन ली है और केसर, और ये हमने फूड कलर लिया है 1 चुटकी भर, जो कि आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले हम इसमें 1/2 चम्मच जो बेकिंग सोडा लिया है वो हम डाल देते हैं और उसको अच्छे से मिला देते हैं। उसके बाद हमने जो 2 बड़े चम्मच मोइन के लिए घी लिया था उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको घी को, मैदे को और सब ये बेकिंग सोडा जो हमने मिलाया था उसको बहुत अच्छे से हमने एक साथ कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी मिलाएंगे। हमें पानी ज़्यादा नहीं मिलाना है, हमें सिर्फ आटे को बाइंड करना है या इसको सिर्फ गूंथना है, मिलाना है, चिपकाना है, जो भी आप समझे। इसको ज़्यादा नहीं मसलें, हल्के हाथों से इसको इकट्ठा कर लें। ये देखिए, इसे सिर्फ बाइंड करना है, हमें गूंथना नहीं है, ज़्यादा चिकना नहीं करना है। तो ये हमने लगभग 1/2 कप पानी में ही इसको लगा दिया है। तो अब हम इसको 15 मिनट के लिए रख देते हैं, तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम पहले शक्कर ले लेंगे। अब इसमें हम 1 गिलास पानी ले लेंगे, इसको अच्छे से हिलाएंगे। इसको हमें हिलाते जाना है जब तक शक्कर नहीं घुल जाए, और हमें लगभग 1 तार की चाशनी बनानी है, तो आप अच्छे से हिलाएं। शक्कर पूरी घुल चुकी है, अभी इसको और चलाते रहें। देखिए, ये हमारी शक्कर बिल्कुल साफ थी, इसलिए इसमें बिल्कुल क्लियर है। आपकी अगर चाशनी क्लियर नहीं हो तो आप 1/2 चम्मच इसमें दूध डाल के और उसका जो मैल ऊपर निकलेगा वो आप निकाल के अपनी चाशनी को और साफ और एकदम क्लीन बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे, ये देखिए, ये जो झाग बन के जो ऊपर आते हैं ना, वो बिल्कुल साफ़ है हमारे। जब आप दूध डालेंगे तो ये सारे जो झाग हैं वो हल्के हल्के आपको ब्राउन दिखेंगे, तो आप उसको अच्छे से निकाल के और उसको एकदम से साफ़ कर दें चाशनी को। बस हमारी चाशनी बनने ही वाली है। आप अच्छे से एक बार चम्मच से भी देख लेंगे कि ये जैसे जैसे ये बूंद गिरने लगे, तो एक तार जैसी बूंद गिरे, तब तक आप समझ लें कि हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अभी इसको 2 मिनट टाइम है, तो आप चाशनी अच्छे से एक तार की बन गई। इसे चेक करने के लिए एक बूंद गिरा दें यहाँ पे, कोई भी कटोरी में गिरा दें और फिर अपने हाथ में ऐसे लेके और देखें कि बराबर एक तार बनना चाहिए आपका। अब ये हल्का हल्का बनने लग गया है लगभग। अब हम इसमें इलायची पाउडर जो हमने लिया था वो मिला देंगे, केसर मिला देंगे, और ये हमने जो चुटकी भर कलर लिया था फूड कलर वो मिला देंगे। आप इच्छा अनुसार मिला सकते हैं, फूड कलर अवॉइड भी कर सकते हैं, पर इससे बहुत अच्छा कलर आता है, बालूशाही का कलर और अच्छा हो जाता है। तो देखिए, चाशनी बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस ऑफ कर लेते हैं और हम बालूशाही बनाते हैं। ये हमारे बालूशाही का डो बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, ये देखिए, ये परतों वाला ही होना चाहिए, हमें इसे ज़्यादा नहीं मसलना है। बस इसको 2 टुकड़े कर लेंगे और इसके पेड़े बनाएंगे। जितनी आपको साइज़ में बालूशाही बड़ी छोटी चाहिए उसके अकॉर्डिंग निकाल लें। ये देखिए,
दो कप आटे से लगभग 15 पेड़े बना लिए हैं हमने। अब बालूशाही को शेप दे देते हैं हम। इनको ज़्यादा नहीं मसलना है, सिर्फ आप गोला बना दें, उसको हल्के हाथों से ऊपर से दबा दें और नीचे से भी दबा दें। बस ये जो क्रैक्स हैं, इससे जब सिकाई होगी तो और अच्छे से ये खस्ता बन के सामने आएगी। ऐसे ही सभी कर लें। बालूशाही के सारे पेड़ों को हमने शेप देके तैयार कर लिया है। अब हम इसे तलने के लिए घी गरम रख देते हैं। तो पहले हम थोड़ा आटे का टुकड़ा डाल के देख लेते हैं। इसमें थोड़े थोड़े बबल निकलना शुरू हुए हैं, तो ये देखिए इतना ही गरम घी चाहिए हमें, ज़्यादा गरम घी नहीं चाहिए हमें। तो हम बालूशाही डाल देते हैं अब इसमें। ऐसे हल्के हाथ से धीरे धीरे हम बालूशाही अंदर डालेंगे। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हमको तलना है। एक बार में आप 5 से 6 बालूशाही फ्राई करें, ज़्यादा नहीं करें वरना तेल का फ्लेम कम। अभी ये फ्राई हो रही है, अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे। ये जैसे ही थोड़ी सी सिक जाएगी, फिर हल्की होके ऊपर आ जाएगी, तब हम इसे टर्न करेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट लगेंगे अभी इसको। ये देखिए धीरे धीरे सारी बालूशाही ऊपर आ रही है। बस इसको 2 मिनट और फ्राई करेंगे, फिर इसे टर्न कर देंगे हम। हल्का सा गैस हम तेज कर लेंगे और इसे हम पलट देते हैं। हल्के हाथ से ही पलटेंगे हम। सबको पलट दिया है हमने। अब हम गैस को मीडियम पे कर लेंगे और इसे अच्छे से फ्राई होने देते हैं। ये देखिए धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन हो रही है हमारी। और ये जो आपको क्रैक्स दिख रहे हैं, इससे मालूम हो रहा है कि ये बालूशाही हमारी बहुत ही खस्ता बनेगी। गैस को हमने तेज कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल तैयार है हम निकालने के लिए। ये देखिए बहुत अच्छी सिकाई हो चुकी है इसकी, तो हमने निकाल देते हैं इन्हें। हल्के हाथ से ही निकालें। इस बड़ी वाली छलनी में डाल देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा घी निकल जाए। ये बहुत ही खस्ता बनी है। अब हम इसे चाशनी में डाल देते हैं। धीरे धीरे डालें आप। इसको अच्छे से ऊपर नीचे कर लेंगे हम चाशनी में। जब तक ये अच्छी चाशनी पी लेते हैं, तब तक हम दूसरे वाले भी निकाल देते हैं बालूशाही। हमने पहले जो बालूशाही निकाली है घी में से, उसके बाद में हमने गैस को ऑफ कर दिया था, तो अब ये घी वापस तलने के लिए परफेक्ट है। तो हम बाकी की सारी भी डाल देते हैं एक एक करके बालूशाही। लगभग 10 से 15 मिनट लग जाते हैं बालूशाही को अच्छे से सिकने में। देखिए ये भी बिल्कुल सिक के तैयार हो चुकी है, अच्छे से फ्राई हो गई है। इनको भी सब निकाल दिया है हमने। देखिए इन्होंने बहुत अच्छे से चाशनी को पी लिया है, तो ये बहुत ही क्रिस्पी और सुंदर बनी है। तो हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। ये भी अच्छे से इन्होंने रस पी लिया है, तो हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। अब हमने सारी निकाल ली है। हम पिस्ते से थोड़ी गार्निशिंग कर लेते हैं सबकी। देखिए कितनी खस्ता और कितनी सुंदर, बिल्कुल मार्केट जैसी बालूशाही बनी है। आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट और रेसिपी के साथ में।
हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।